दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लैंड ऑफ ऑटोमोबाइल्स के एक और नए वीडियो में। अगर आप बाइकर्स हैं, बाइक चलाते हैं, तो बाइक के लिए जो सेफ्टी गियर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मैंने ये जैकेट पहन रखा है, आप देख सकते हैं, साथ में एक अच्छे ब्रांड का हेलमेट और ग्लव्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एक बाइकर्स को ज़रूर लेना चाहिए, यूज करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। क्योंकि अगर हम कहीं भी निकलते हैं टूर पे, लंबे टूर पे निकले या कहीं भी जा रहे हैं बाइक लेके, तो सबसे ज़्यादा चिंता जो है हमारे घर वालों को रहता है हमारा, कि हम बाइक लेके गए हैं, कैसे हैं, क्या हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ रायपुर में आप कहाँ से सेफ्टी गियर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलने वाली हैं। मैं आ चुका हूँ आज कटोरा तालाब के पास, रायपुर में राइडर्स जोन। अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको किस तरह के सेफ्टी गियर्स जो हैं वो हमको मिलने वाले हैं। तो एक एक करके सारी जानकारी जो है वो मैं देने वाला हूँ। तो जी, पहुँच चुके हैं हम राइडर्स जोन। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जैकेट्स जो हैं जो राइडर्स को पसंद आने वाले हैं। बाइक से रिलेटेड सारे गियर्स जो हैं यहाँ हमको मिलने वाले हैं। ये तो खैर हमारा हेलमेट है, ग्लव्स हैं, हेलमेट हैं, जैकेट हैं, कौन कौन से यहाँ पे मिलने वाले हैं और क्या क्या यूज करना चाहिए आपको अपने राइड में, दिखाते हैं सारी चीज़ें आज आप लोगों को। सबसे पहले मिलाते हैं यहाँ के ऑनर से। नाम शब्बीर बोल दीजिए। सबसे पहले एक राइडर को क्या लेना चाहिए सेफ्टी के लिए, वो लेना चाहिए एक अच्छा ब्रांड का हेलमेट। और हेलमेट कौन सा लेना चाहिए अगर आपको नहीं पता है, तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हेलमेट किस तरह से चूज़ करना चाहिए और किस तरह का हेलमेट हमको परचेस करना चाहिए। तो एक अच्छा हेलमेट आप सबसे पहले लीजिएगा, उसके बाद में आता है ग्लव्स की बारी। तो एक अच्छा ग्लव्स भी ले सकते हैं आप, ग्लव्स जो है अलग अलग मिल जाते हैं आपको, 1000-1200 रुपए से लेके स्टार्ट होता है। तो एक ग्लव्स लीजिएगा। ग्लव्स क्या है, बेनिफिट क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ग्लव्स आप सोच रहे होंगे इसको हम क्यों लें, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर प्रोटेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। आप जब भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आप गिरेंगे तो ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा छीलता है, ये इम्पैक्ट यहीं पे आता है, देन आता है हमारे यहाँ पे आता है, हथेली में आता है। तो यहाँ देखिए ये हथेली में दिया हुआ है प्रोटेक्टर, यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो कभी भी हम जब गिरते हैं ना, बाइक से फॉल होता है, तो हम हमारा हाथ जो है ज़मीन में कुछ इस तरह से जाता है, तो इस तरह से जाता है, तो ये एरिया जो है इम्पैक्ट में आता है, तो उसके लिए ये प्रोटेक्टर दिया हुआ है। इसके लिए हमको ग्लव्स जो है लेना चाहिए, मैंडेटरी है, लेना ही चाहिए, ये हर बाइकर्स को ये यूज करना चाहिए। देन आते हैं हम जैकेट के ऊपर। जैकेट जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं तो पहना ही हूँ, आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक जैकेट। अब जैकेट क्यों लेना चाहिए, जो बाइकर्स हैं वो तो जानते ही हैं जैकेट की खासियत, लेकिन जो अभी बाइकर्स नहीं हैं, जो अभी अभी बाइक चलाना चालू किए हैं या जो सिटी राइड करते हैं, उनको नहीं पता होता इस जैकेट की खासियत, तो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहला जो जैकेट होता है ये कॉर्ड्यूरा मटेरियल से बना होता है। जब हम गिरते हैं, फॉल होता है, तो इसमें हमारे बॉडी में जो है ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, छिलने कटने का डर जो है वो नहीं रहता है। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोटेक्टर्स दिए हुए हैं, गर्मी नहीं लगता, ये यहाँ पे प्रोटेक्टर्स दिए हुए हैं। ये एंट्री लेवल का जैकेट है, इसमें आपको बैक साइड का प्रोटेक्टर दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा अच्छे जैकेट्स में जाएंगे तो आपको चेस्ट में प्रोटेक्टर देगा, शोल्डर्स में देगा, फिर एल्बो में देगा, ये सारे प्रोटेक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं। जब आप गिरेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है, आप देखे भी होंगे यार, बहुत सारा एक्सीडेंट होते रहता है। दूसरी बात, जैकेट कई लोग प्रीफर नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि हम जैकेट पहनेंगे तो गर्मी लगेगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो फैब्रिक रहता है, फैब्रिक इतना अच्छा रहता है कि इसमें जो एयर वेंट हैं वो बने रहते हैं आपके अंदर जो है, जब आप बाइक चलाते हैं तो एयर वेंट्स के थ्रू से अंदर एयर जाता है, आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो अगर आपके मन में है जैकेट लेने के बाद अगर हमको गर्मी लगेगा, तो भूल जाइए उसको, बिल्कुल जैकेट लीजिए और पहन के देखिए एक बार। देन अब चलते हैं नेक्स्ट जो बाइकर्स को लेना चाहिए वो है, ये है नी गार्ड और ये एल्बो गार्ड है। नी गार्ड और एल्बो गार्ड का क्या बेनिफिट है वो आपको बताता हूँ मैं, एक ट्राई ही कर लेता हूँ मैं। जैसे ये है, ये हम यहाँ पे इस तरह से लगा लेते हैं, तो कभी भी रोड में क्या होता है, कई बार हम लोग ऑफ रोडिंग करते हैं, जब ऑफ रोडिंग करते हैं तो जो गिट्टी होते हैं, पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, वो हमारे बाइक के जो टायर हैं उससे छिटक के लगते हैं, तो उसका जो लगने का इम्पैक्ट होगा उसको भी ये बचाएगा। साथ में और कोई अगर हम गिर जाते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही हमको प्रोटेक्ट करने वाला है। तो नी गार्ड और एल्बो गार्ड ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे हमको कौन कौन से ब्रांड के और कौन कौन से जो सेफ्टी गियर्स हैं बाइकिंग से रिलेटेड वो अभी बताने वाले हैं भाई, तो जानते हैं बाकी डिटेल्स इनसे।
तो भैया जैसे बताए जैकेट्स के बारे में, पहले ये जो 3D मैश रहती है ये गर्मी के लिए रहती है, जो आपको गर्मी ना लगे। जैसे अगर कैमरा दिखा पा रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट्स पार हो रहे हैं, तो इससे क्या है विंड्स भी आते हैं, आपको हवा भी लगेगी, ऐसे गर्मी वगैरह चीज़ नहीं है। नी गार्ड में भी अलग अलग वैरायटीज़ आते हैं, जैसे ये एल्बो का है, जो जैकेट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए रहता है। वो क्या है, ये ऐसा लग जाता है यहाँ पे हाथ पे, क्या है जैकेट की जगह पे ये काम आ जाता है, हाथ का प्रोटेक्शन हो जाता है गिरने पे। नी का भैया ने बता दिया। नी गार्ड पे भी अच्छे क्वालिटी पे अगर आप जाएंगे तो ये सब अच्छे क्वालिटी में आता है। जैसे जैकेट्स में होता है ईसी अप्रूवल, वैसे इसमें भी होता है ईसी अप्रूवल, यहाँ लिखा हुआ होगा ईसी 1 है, ये लेवल 1 का है। इसके बाद में जैकेट्स आते हैं, जैकेट ये एकदम इनिशियल है, 5500 रुपये का है हमारे पास जैकेट ये। इसके बाद जैकेट्स अपग्रेड होते जाते हैं जितना आप इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि अभी अभी मेरे पास जो है ये DSG का जैकेट है, ये रेस इंस्पायर्ड जैकेट है, कुछ लोग प्रेफर करते हैं पहनना, ज़्यादा सेफ्टी रहता है इस पर। पीछे ये बैक हम्प आता है, ये काफ़ी बचाता है, और एरोडायनेमिक्स भी होता है जो सुपर बाइकर्स हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। इस पर प्रोटेक्टर्स भी मिलेंगे, इस पर चेस्ट गार्ड भी आएगा, भैया ने जैसे बताया था ये चेस्ट गार्ड दिया हुआ है इस पर, ये चेस्ट के प्रोटेक्टर हैं। इस पर विंटर लाइनर रेन लाइनर भी आएगा जो प्रीमियम में आता है, वो 5500 का था, ये लगभग 12000 का जैकेट है। इसमें आपको कंप्लीट हर चीज़ मिलेगी, इसमें कोई भी चीज़ का आपको अलग से परचेज करने की नीड नहीं है। विंटर लाइनर दोनों आएगा इस पर, विंटर लाइनर रेन लाइनर। इसके बाद फिर पैंट्स आते हैं, जो प्रोफेशनल राइडर्स हैं वो पैंट प्रेफर करते हैं। पैंट में दिखाता हूँ मैं 2 मिनट। अब जैसे कि मैंने बताया था पैंट्स के बारे में, ये पैंट होते हैं, इस पर भी आपका पूरा प्रोटेक्टर रहता है। ये नी शिन का प्रोटेक्टर है, ये शिन एरिया कवर करता है, जो घुटने के नीचे एरिया रहता है वो प्रोटेक्ट करता है, ये घुटना हो गया। इसके बाद जो आपका हिप का एरिया रहता है, जो वेस्ट के जो हड्डी रहते हैं उस पर प्रोटेक्ट करता है, साइड वाला दोनों, ये दोनों साइड के हड्डी जो रहते हैं वो वाला प्रोटेक्टर है, यहाँ पर प्रोटेक्टर दिया हुआ है एक। इसके बाद ये भी कोड्यूरा फैब्रिक से बनता है, तो जल्दी ये कपड़ा फटता नहीं है, तो आपका स्किन वगैरह डैमेज नहीं होगा। इस पर भी विंटर लाइनर्स आते हैं, ये विंटर लाइनर लगा हुआ है अंदर ठंड के लिए। इसके साथ में रेन लाइनर भी आते हैं, वैसे ये रिमूवेबल भी है, हाँ निकाल भी सकते हैं आप। आप लोगों ने देख लिया ये सारे सेफ्टी गियर्स। अब जानते हैं कौन कौन से प्राइस में ये सेफ्टी गियर्स जो हैं वो आते हैं, क्या क्या प्राइस है इन जैकेट्स, पैंट्स और ग्लव्स, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, इसका। सबसे पहले शुरू करेंगे हम इधर से, जैकेट से। जैकेट जनरली जो स्टार्टिंग प्राइसिंग है वो 5500 रुपये से है। ये कोडा का आएगा जैकेट, ये इंटरनेशनल ब्रांड है, कोडा के नाम से आती है, ये 5500 तक में आता है, 5500-5000। उसके बाद में फिर प्रीमियम रेंज जैसे आप जाते जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था 11000-12000। BBG का आता है 7000, ये करीब एडवेंचर जैकेट है BBG का, तो लॉन्ग टूर्स वगैरह जो करते हैं उनके लिए ये 10000 का कंप्लीट जैकेट है। रेन भी आएगा इसमें, रेन लाइनर, विंटर लाइनर, एक्सटर्नल स्लाइडर्स है इस पर जो बाहर से आपको प्रोटेक्ट करेगा। और इसके बाद में फिर टूरिंग जैकेट्स हो जाते हैं, ये जैसे टूरिंग जैकेट है, ये आपका अर्बन जैकेट है, सिटी वगैरह में पहनना, थोड़ा बहुत राइड करना है, वो इस पर भी प्रोटेक्टर्स वगैरह आते हैं पूरे। प्राइसिंग ये 7700 का है अराउंड, मेरे पास 5500 से स्टार्टिंग है, 11000-12000 तक में आपको अच्छे जैकेट्स आ जाएंगे मेरे पास जो अवेलेबल है अभी। ब्रांड्स में आपको बाइकिंग ब्रदरहुड है, सोलेस है, राइडा है, राइनॉक्स है, DSG है जो कि अभी हाल फिलहाल ही एड ऑन किए हैं अपन ने, और कोडा हो गया, बाकी आपकी दुआ रही तो और बढ़ाएंगे। ये तो हमने देख लिया। अब एक और सेफ्टी जो गियर है वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो है ये राइडिंग बूट्स। राइडिंग बूट्स जो हैं वो भी अलग अलग आते हैं। फिलहाल हमारे हाथ में जो है ओराजो का है, ये वाटरप्रूफ है, फुली वाटरप्रूफ है ये, और मेरे ख्याल से एंट्री लेवल में ये अच्छा है, इसके हाँ 4000 के रेंज में ये अच्छा है। इसके ऊपर और जाएंगे तो और भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये तो हमने देख लिया सेफ्टी गियर्स, इसके अलावा बाइक से रिलेटेड और भी बहुत सारे जो सामान है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहीं पे मैं दिखा देता हूँ,
यह पैडॉक स्टैंड मोस्टली जो होता है सुपर बाइक्स में, जो बड़ी बाइक होती है, प्रीमियम बाइक्स होती हैं, उनमें साइड स्टैंड नहीं होता है, तो हमको चैन क्लीनिंग करने में या टायर का कुछ काम हो तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं पैडॉक स्टैंड। और अगर आपको ऑयलिंग करना हो तो उसके लिए एक और ऑप्शन आता है जो रोलर आता है, तो ये जी रोलर आता है, यहाँ पे आप टायर को फंसा के अगर चैन क्लीन करना हो, ल्यूप करना हो, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये क्या है, पोर्टेबल होता है, तो इसको आप चाहें तो कैरी भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे देख सकते हैं और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले देखिए इधर ये बैग है, टैंक बैग, छोटा वाला टैंक बैग आता है, और ये डिहाइड्रेशन बैग है, ये ले सकते हैं। और टैंक बैग जो है इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टैंक बैग जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इस तरह के आप टैंक बैग जो हैं वो ले सकते हैं। कुछ मैग्नेट वाले आते हैं, कुछ बिना मैग्नेट वाले आते हैं। अगर मैग्नेट टैंक है आपके बाइक का तो मैग्नेट वाला बेस्ट है, चिपक जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो स्ट्रैप वाला आता ही है। और साथ में इधर देखिए बंजी कॉर्ड वगैरह जो हैं, बंजी कॉर्ड मिल जाएंगे। और हेलमेट्स, जैसा कि मैंने बताया था, हेलमेट्स की बहुत सारी वेराइटीज़ जो हैं यहाँ पर आपको मिलने वाला है इनके शॉप में अगर आप आते हैं तो। सारे सेफ्टी गियर्स के अलावा बाइक के एसेसरीज़ जो हैं वो भी यहाँ हम आपको मिलने वाले हैं, यहाँ से ले सकते हैं आप। जैसे कि सबसे पहला नीड होता है मोबाइल होल्डर का, मोबाइल होल्डर भी अलग अलग आते हैं, विथ चार्जिंग और विदाउट चार्जिंग। तो ये जो इनके हाथ में है अभी, ये दोनों हैं मेरे पास, ये है बोबो का है, बोबो का। अच्छा, पहला वाला जो है वो है विदाउट चार्जिंग, खाली मोबाइल माउंट कर सकते हैं, और दूसरा वाला जो है विथ चार्जिंग के साथ है, लेकिन वो भी फास्ट चार्जर दिया हुआ है, 3.0 फास्ट चार्जर दिया हुआ है, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपनी बाइक के लिए फॉग लाइट्स जो है, फॉग लैंप्स है, वो भी मिलने वाला है। साथ में और भी बाइक्स के एसेसरीज हैं क्लीनिंग के, इंटरकॉम्स हो गया, हाँ, फिर मोटूल का इंटरकॉम भी मिल जाएंगे, मोटूल का चैन क्लीनर है, चैन ल्यूब है, साथ में आपको एक्शन कैमरा जो है वो भी यहाँ पे मिलने वाला है। और लाइट्स में जो है इनके पास मैड डॉग्स के लाइट्स जो हैं पूरा सेट रखा हुआ है, चाहे तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। मैड डॉग का सबसे प्रीमियम अल स्काउट आता है लाइट, ये अल्फा जो है 9750 की ओनली लाइट है, वायर हार्नेस वगैरह अलग से आता है, ये मैड डॉग का सबसे प्रीमियम लाइट है। इसके नीचे भी आता है जैसे स्काउट वगैरह हो गया, ये सब भी आता है। तो ये स्काउट कितने का होगा? स्काउट ये लाइट ओनली आपका 3750 का है, कंप्लीट आपका अराउंड 7 के आसपास कंप्लीट पूरा सेट हो जाएगा इसका। अच्छा, इसमें और भी कुछ लेना पड़ेगा? हाँ, वायर हार्नेस लेना पड़ेगा, जो वायरिंग रहेगा वो लेना पड़ेगा, स्विच और क्लैंप, ये तीन चीज एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अच्छा, ये लाइट रहेगी मैड डॉग की, वाइट लाइट है, वाइट है, साथ में फिल्टर अलग से आप परचेज, येलो का, येलो रहता है, एक कवर करने के लिए रहता है जो लगे नहीं कि ये फॉग लाइट है घर के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और प्लस इस पे 18 महीने की वारंटी आएगी साथ में। इसके बाद में ये इंटरकॉम्स हो गए, इंटरकॉम जैसे मैं कम्युनिकेशन के लिए बताया था वो चीज़ है। ये फ्लैशेक्स हो गया, जो आपका फ्लैशर रहता है, चारों इंडिकेटर जो ब्लिंकर रहता है वो चीज़ होगा। ये MRP इसका 2000 का है, ये 1800 करीब में आ जाता है, आपको फिटिंग करवा देते हैं। और इंटरकॉम हो गया, इसके बाद फिर कैमरास भी रखते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने देख लिया राइडर जोन में किस तरह के राइडिंग गियर जो हैं वो हमको मिलने वाले हैं। अगर आप आते हैं रायपुर, या रायपुर से हैं या छत्तीसगढ़ से कहीं से भी हैं, तो आप आके यहाँ पे ये सेफ्टी गियर जो हैं वो ले सकते हैं। शायद डिलीवरी भी देते होंगे आप लोग? हाँ जी। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो आपको डिलीवरी भी दे देंगे ये, बस आप बता दीजिएगा आपको कि कौन सा गियर जो है वो लेना है। नंबर जो है मैं आपको स्क्रीन में यहाँ पे देने वाला हूँ, और डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर एड्रेस दोनों देने वाला हूँ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का राइडिंग गियर्स का ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के ऑटोमोबाइल्स के वीडियोज़ जो हैं आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहें।